कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के चलते मंडी में शुरू हुए अभियान के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैक्सीन के निर्माण कार्य में जुटे वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि आज वो वैज्ञानिक वैक्सीन से जुड़े तमाम लोग प्रशंसा के हकदार हैं जो महीने से वैक्सीन बनाने में जुटे थे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वैक्सीन का शुभारंभ करने के लिए उन्हें बधाई दी। बहुत लंबी इंतजार के बाद आज हमारे लिए ये बड़ा शुभ अवसर है, शुभ दिन है, जहां पूरे देश के लिए कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। और आज हमको इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र के नाम संदेश दिया, संदेश के माध्यम से उन सारी चीज़ों को डिटेल में विस्तार से एक एक चीज़ को कि किस तरह से एक साल का ये दौर लगभग सारे देशवासियों का, देश के साथ दुनिया के सब लोगों का तनाव में गुजरा है इस कोविड के वायरस की वजह से। और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र होने के साथ में ये वैक्सीन भारत भी बनाई, इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सभी साइंटिस्ट को उत्साहित किया, प्रेरित किया, और जिसका परिणाम आज है कि आज भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा, भारत की ही कंपनियों के, दो कंपनियों के द्वारा वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ जो है हमारे देश में उपलब्ध करवाई गई। और उसके बाद आज उसकी विधिवत जो है वो सारी टेस्ट की प्रोसीजर से निकलने के बाद उसकी शुरुआत आज हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत कठिन दौर में से निकलते हुए आज हम यहां पहुंचे हैं जहां भारत ने अपने बलबूते वैक्सीन बना करके तैयार की और उसकी शुरुआत आज पूरे देश भर में हुई है। एक बहुत बड़ा अभियान जो आज से पहले कभी इतना बड़ा अभियान जो है वैक्सीन के सिलसिले में नहीं रहा है। दूसरे जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, 93,000 यानी कि 93,000 वैक्सीन हिमाचल प्रदेश को की डोजेज जो है हमको उपलब्ध हुई फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज में इसमें जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका ही पालन कर रहे हैं सख्ती से, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, उसके बाद साथ में हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, आशा वर्कर, इन सबको जो है वो फर्स्ट फेज में हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 1,35,000 के लगभग ये नंबर बनता है फेजेज में इस वैक्सीन को उन तक पहुँचाने का हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हिमाचल प्रदेश में हमने IGMC शिमला से इसकी शुरुआत की और उसके बाद मंडी आकर के भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी आज 100 लोगों को जो है वैक्सीन उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। और पूरे प्रदेश भर में आज हमने 27 केंद्रों में लगभग 2700 के लगभग जो है वैक्सीन जो है उपलब्ध करवानी है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सबके माध्यम से इस बात का संदेश भी लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगने के साथ अभी दूसरा डोज 28 दिन के बाद फिर से लगेगा और 28 दिन के बाद भी 14 दिन और इंतज़ार करना है। टोटल 42 डेज का ये स्पैन जो है उसमें भी जिनको वैक्सीन लग रही है, जिनको आज वैक्सीन लगी है और उनको सावधानियाँ उसी प्रकार से रखनी पड़ेगी जिस प्रकार से हम आज से पहले कोविड के खिलाफ जो है वो सारे अभियान के दौरान जो है वो सावधानियां रख रहे हैं, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम सारी चीज़ें जो है उसी रूप में रहेंगी। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि बहुत सारा उत्साह है, लोग सीधे हमको फ़ोन करके पूछ रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, यानी कि उत्साह का एक माहौल है। सब चाहते हैं कि इस दौर से अपने आप को जितना जल्दी हम बाहर निकाल सकते हैं कोविड के, और ऐसी स्थिति में हम जैसे नॉर्मल जिंदगी जीते थे उस जिंदगी में फिर वापस आकर के काम करना शुरू करें, इस तरह की एक बहुत बड़ी एक फील जो है लोगों के बीच में है। और मैं यही कहूँगा कि देश के सभी साइंटिस्ट को साधुवाद जो उन्होंने इस वैक्सीन को बना करके तैयार किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने के लिए सभी साइंटिस्ट को सहयोग दिया, प्रेरित किया
पर आज पूरे देश भर में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग 700 के लगभग कुल एक्टिव केसेस रह गए। रोज़ाना ये नंबर नीचे आता जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे भी कोविड समाप्त होगा, जो बचेगा उसको वैक्सीन के माध्यम से समाप्त करने का हमको जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको उस तरह से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक बर्ड फ्लू के कारण हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। इन पक्षियों को प्रोटोकॉल के अनुसार दफनाया जा रहा है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। प्रदेश में अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों को लाने पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगाया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों के माध्यम से संक्रमण न आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पशुपालन और वन्य प्राणी विभाग के दल पोंग डैम और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश में सिर्फ कांगड़ा जिला के पोंग डैम में पाया गया था और वहाँ पर लगभग 4,500 बर्ड्स की उसमें डेथ हुई है। हमने वो सैंपल भेजे थे, उसकी रिपोर्ट्स आ गई और उसमें वो H5N1 करके एक वायरस है वो उसमें पाया गया है और वो अच्छा नहीं है, मतलब यानी कि ख़राब वायरस है जिसके कारण डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। 48 घंटे के अंदर अंदर पक्षी को अगर संक्रमण होने के बाद उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से हमने जो मॉनिटर किया उसमें अब नंबर बहुत कम हो गया है। जब पहले 600 तक भी नंबर गया था, 627 तक नंबर गया था, लेकिन अब उसके बाद अब लगातार नंबर जो है वो 100 के लगभग आ रहा है और पिछले कल शायद उससे भी कम आ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि बहुत चिंता की बात नहीं है, यहाँ ये कंट्रोल में है। एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें वहाँ पर भेजी गई हैं, वो सारे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, लोगों के बीच में जानकारी जहाँ देनी थी वो दी गई है। 10 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें हमने वहाँ पर सर्विलांस के लिए जो है वो रखा है, जिसमें हमारे जो पालतू पशु ना जाएं और उसके बाद जो पोल्ट्री उस एरिया की है उसको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया था। 7 डेज के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में रोक लगाई थी, जो बाहर से पोल्ट्री प्रोडक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में आता है और विशेष तौर से जो एडजॉइनिंग स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से आता था, तो उसके लिए भी हमने 7 डेज के लिए हमने अभी कुछ दिन पहले रोक लगाई थी और वो रोक लगाने के बाद जो है मुझे लगता है कि अब इस तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है।